ये है गोंचाक का और ये मैंने लिया था अमेजोन से, इसकी रेटिंग काफी बढ़िया थी। ये है एक शार्प कंपनी का ब्राइड मेकर। तो नेक्स्ट है मेरे पास ये फ्लिप्स की हॉट प्लेट। तो लास्ट जो मैं प्रोडक्ट आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना गाइस, हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडियन मॉम स्टूडियो। तो अभी सबसे पहले मैं ये स्टोव क्लीन करूंगी एंड देन बनाऊंगी कॉफी गर्मा गर्म, क्योंकि यार इतनी ठंडी पड़ रही है ना कि मैं बार बार अपने हाथ को ऐसे ऐसे करती रहती हूँ। जब मैं किचन में ना स्टोव के सामने होती हूँ तो बड़ा ही मजा आता है, क्योंकि गर्माहट मिलती रहती है। पहले गर्मियों में मन नहीं करता था यहाँ पर किचन में आके कुकिंग करने का, और आजकल विंटर में मन करता है मैं कुकिंग करती जाऊँ, मतलब अच्छा मन लगता है, खूब अच्छी अच्छी डिशेज बना सकते हैं इस टाइम हम विंटर में, और मन भी करता है खाना खाने का। तो इस टाइम पता है मैंने 2-3 लेयर पहन रखी है, नीचे पहले इनर डाल रखा है वार्मर जो होता है, एंड देन मैंने ये हुडी पहन रखी है, उसके ऊपर ये मैंने चेकर्ड कोट भी पहन लिया है। ये 3-3 लेयर पहन रखी है, फिर भी मुझे ठंड लग रही है। लेकिन जैसे ही गैस के सामने मैं आऊँगी ना, मतलब गैस के सामने ऐसे नहीं, जैसे मैं गैस ऑन करूँगी तो थोड़ी सी गर्माहट बढ़ जाएगी किचन में। फिलहाल मैं आपको दिखाती हूँ, आज मैंने एक बहुत ब्यूटीफुल सी लिपस्टिक लगाई हुई है, कैसी लग रही है आपको बताना कमेंट सेक्शन में। और आज ना मैं आप लोगों के साथ सोच रही थी अपने फेवरेट अप्लायंसेस शेयर करूं जो कि मैं इस किचन में यूज़ करती हूं, बहुत सारे हैं मेरे पास। और आप लोग भी ना कमेंट सेक्शन में मेरे से किसी ना किसी अप्लायंसेस के बारे में पूछते रहते हो, तो हर वीडियो में कहते हैं आंसर करना या हर प्रोडक्ट के बारे में हर वीडियो में बताना पॉसिबल नहीं होता है। तो मैंने सोचा क्यों ना एक डेडिकेटेड वीडियो मैं इसी चीज़ पर बनाऊं, जो किचन में मैं चीज़ें यूज़ कर रही हूं, जो भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हैं जो मेरे बहुत ज़्यादा काम में आते हैं, मेरे फेवरेट हैं, जिनसे मेरा दिन शुरू होता है समझ लीजिए, तो उनको मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सबकी लिंक्स वगैरह भी नीचे कमेंट सेक्शन में छोड़ दूंगी आप लोगों के लिए। उसके अलावा उनके जो प्राइस हैं वो भी आपको लिंक के थ्रू जब आप जाओगे तो वो भी पता चल जाएंगे। तो किचन में काम आने वाले मेरे टॉप फेवरेट प्रोडक्ट्स आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ फाइनली, और ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है। तो वीडियो को पूरा वॉच करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि और भी अच्छी अच्छी वीडियोज आपके पास ऐसे ही पहुंचती रहे। तो ये जो प्रोडक्ट्स है ना, ये आपकी लाइफ को बहुत ज्यादा इजी बना देते हैं। होता है ना कि किसी काम को करने में जो ज्यादा टाइम लगता है उसको वो कम कर देते हैं, एफर्ट्स कम लगते हैं, तो आप ज्यादा अच्छे से चीजें बना सकते हो कम टाइम में। तो हाँ, इसके अलावा मैं अभी फिलहाल पहले कॉफी बनाऊंगी एंड देन उसके बाद मैं आपके साथ ये सारे प्रोडक्ट शेयर करूंगी। लाइक शेयर करना मत भूलना प्लीज इस वीडियो को, और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना, हो सकता है वो उनके लिए हेल्पफुल रहे। तो जब भी कॉफ़ी टाइम होता है ना या टी टाइम, तो वो ये मफिन का फेवरेट टाइम होता है, वो कहीं भी बैठा हो खुशबू सूंघ के वहीं पहुंच जाता है। कैसे? क्योंकि जब मैं और प्रशांत कॉफ़ी पीते हैं तो हम अपने बिस्किट तो रखते ही हैं साथ में, इसके बिस्किट्स भी हम लोग अपने आसपास रखते हैं, तो जब ये आता है ना तो हम इसको एक बिस्किट पकड़ा देते हैं जो इसको बहुत खुशी देता है। तो फिलहाल मैं अपनी कॉफ़ी फिनिश करती हूँ, तब तक आप लोग ये लिपस्टिक के स्वाचेस देख लीजिए। मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरी फेवरेट लिपस्टिक जो कि मम्मा अर्थ की है। तो मैं शेयर करने वाली हूँ मम्मा अर्थ की न्यूली लॉन्च हाइड्रा मैट क्रेयॉन ट्रांसफ़र प्रूफ लिपस्टिक्स। जी हाँ, ट्रांसफ़र प्रूफ लिपस्टिक। जब भी ट्रांसफ़र प्रूफ लिपस्टिक की बात आती है तब हमारे दिमाग में आता है जो ट्रांसफ़र प्रूफ लिपस्टिक्स होती हैं वो ना आपके लिप्स को ज़्यादा ड्राई कर देती हैं, ऐसा आपको भी लगता होगा, और क्या है लिप्स जो है फ्लेकी हो जाते हैं। जब आप स्माइल कर रहे हो या बात कर रहे होते हो तो आप इतना कंफर्टेबल नहीं महसूस करते। तो मैं जो ये लिपस्टिक शेयर करने वाली हूँ ना, ये हाइड्रा मैट लिपस्टिक्स हैं, यानी कि ये हाइड्रेटिंग भी हैं, साथ में मैट फिनिश भी देंगी,
और लॉन्ग लास्टिंग भी है। ये 12 आवर्स तक आराम से टिकी रहती हैं और आपके लिप्स बिल्कुल भी ड्राई फील नहीं करते। अच्छी बात तो ये है कि ये जो लिपस्टिक्स हैं ये केमिकल फ्री हैं, टॉक्सिन्स फ्री हैं, तो आप इसे एवरी डे यूज़ कर सकते हो। मेरे पास है 7 लिपस्टिक, यानी कि आप हर दिन नया शेड लगा सकते हो, मंडे टू संडे। इनमें से एक लिपस्टिक मैंने अभी अप्लाई करी हुई है, नंबर 1 शेड है ये। नाम वगैरह मैं सब मेंशन कर दूंगी, एक एक करके सारे स्वाचेस भी दिखा दूंगी। तो यहाँ पर है मेरे पास पानी और मैं पानी पीकर मैं दिखाने वाली हूँ आप लोगों को कि ये ट्रांसफर होती है या नहीं। ये देखिए, ये जो लिपस्टिक है ना, ये क्रेयॉन की शेप में आती हैं कुछ इस तरीके से, और आप रोल अप करते हो तो ऊपर इस तरीके से निकल आती हैं, एंड देन ये अंदर भी ऐसी तरीके से चली जाती हैं। और ये जो लिपस्टिक्स हैं ना, ये 12 आवर्स तक आपके लिप्स को हाइड्रेट रखती हैं, क्योंकि इसमें ना हाइलोरोनिक एसिड और साथ में अर्गन ऑयल है। ये दोनों ही इंग्रेडिएंट आपके लिप्स को नरिश करने में, मॉइस्चराइज रखने में, हाइड्रेट रखने में हेल्प करते हैं। और साथ में ये वाटर प्रूफ भी हैं। यहाँ पर मैंने लिपस्टिक का स्वाच दिया हुआ है, यहाँ मैं पानी डाल रही हूँ और ये देख सकते हैं आप, ये बिल्कुल भी स्मज नहीं हो रही है, है ना। तो जल्दी से मैं सारे लिपस्टिक शेड लगाकर भी दिखा देती हूँ, इससे आपको पता चल जाएगा कि ये सारे कलर्स कैसे लग रहे हैं मेरे ऊपर। यहाँ पर मैंने लास्ट शेड भी अप्लाई कर लिया है जो कि है रसबेरी रेड। बहुत ही ब्यूटीफुल सा ये शेड है। जब आप इसे अप्लाई करोगे तो 1 स्ट्रोक में आपको इंटेंस कलर पे ऑफ भी मिल रहा है। और आपको पता ही है, मम्मा अर्थ के जितने भी प्रोडक्ट होते हैं वो नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनाए जाते हैं और केमिकल फ्री होते हैं। तो मम्मा अर्थ की ऐसी बहुत सारी खास चीज़ें हैं, जैसे कि मम्मा अर्थ की जो वैल्यू है केवल उनके प्रोडक्ट में ही नहीं, बल्कि वो इस वैल्यू को स्टैंड भी करते हैं। जैसे कि जब भी कोई भी प्रोडक्ट आप मम्मा अर्थ की वेबसाइट से परचेज करते हो तो वो आपके ऑर्डर को लिंक कर देते हैं अपने वेबसाइट पर किसी एक ट्री के साथ। इस तरीके से मम्मा अर्थ ने 2025 तक 1 मिलियन ट्री लगाने का इनिशिएटिव लिया है, जिसमें आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। और गाइस, मम्मा अर्थ के जितने भी प्रोडक्ट हैं वो आपको मिल जाते हैं फ्लिपकार्ट, नायका, अमेजोन और खुद मम्मा अर्थ की ऐप एंड वेबसाइट पर। अगर आप ऐप और वेबसाइट से परचेज करते हो तो आप मेरा कूपन कोड भी यूज़ कर सकते हो जो कि है IMS2023, जिसे लगाने से आपको 20% डिस्काउंट मिल जाएगा। और अब तो मम्मा अर्थ के प्रोडक्ट आपको अपने घर के आसपास भी दिखाई दे जाएंगे, स्टोर्स में, मॉल में, मेडिकल स्टोर पे, इन सब जगह पर भी मम्मा अर्थ के प्रोडक्ट इजीली अवेलेबल हैं, तो आप वहां से भी परचेज कर सकते हो। यहाँ पर मैंने जितने भी मेरे यूजफुल किचन के अप्लाइंसेस थे मैंने इकट्ठे कर लिए आप लोगों के लिए, तो अब मैं 1 by 1 करके आपको दिखा रही हूँ। तो सबसे पहला प्रोडक्ट जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो है एक सैंडविच मेकर। और गाइस, ये मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट सैंडविच मेकर है, इसे मैं डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। आप लोग भी इसे मुझे यूज़ करते हुए ऑलमोस्ट 4 to 5 years से देख रहे होंगे, जब से मेरा चैनल है तब से ही आप लोग मुझे इसे यूज़ करते हुए देख रहे होंगे, क्योंकि मैं इसमें सैंडविचेस हो गए, ब्रेड बनानी हुई, इवन जो ब्रेड बटर के लिए ब्रेड होती है वो भी मैं इसमें ही बना लेती हूँ। ये इतना बड़ा सा है ना, और ये बिल्कुल कैफ़े स्टाइल है, जैसे कि मतलब कैफ़े स्टाइल बोले तो मतलब आपने ज़्यादातर कैफ़े में देखा होगा जहाँ पे ग्रिल सैंडविचेस आप खाते हो और बड़े ही पसंद करते हो, तो वो टाइप के सैंडविचेस इसमें बहुत इजीली बन जाते हैं। और सबसे अच्छी बात यह कि इसमें एक टाइम में आप 4 सैंडविचेस बना सकते हो, और मुझे तो मतलब बहुत ज़्यादा यूज़फुल लगता है ये, और अभी तक अच्छे से काम भी कर रहा है। और ये है बजाज कंपनी का। सभी प्रोडक्ट के लिंक ना मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चेक कर लीजिएगा। और इसकी कॉस्ट है 4,500 rupees। सेकेंड प्रोडक्ट है ये है एक शार्प कंपनी का ब्रेड मेकर, जिसमें आप ब्रेड बना सकते हो। मैं तो उसमें डो भी लगा लेती हूँ, जैसे कि भटूरे का, पूरी का, अपना रेगुलर रोटी का, वो भी डोज में बहुत अच्छा लग जाता है। कई बार आपके साथ मैंने शेयर किया हुआ है, ब्रेड भी इसमें बहुत अच्छी बन जाती हैं। तो अगर आपको फ्रेश ब्रेड खाने का शौक है तो ये ब्रेड मेकर बहुत काम की चीज़ है, जिसे आप डेली बेसिस पे यूज़ कर सकते हो। इसमें 12 प्रीसेट मेन्यू हैं, जिसमें आप डिफरेंट तरीके की ब्रेड बना सकते हो। आप इसमें केक का भी डो लगा सकते हो इनफैक्ट, और इसमें जैम भी बना सकते हो। और गाइस, इसकी कॉस्ट है 8,500। देखने में बड़ा ही स्लीक सा, बहुत ही कहते हैं ना क्यूट सा है, और ये
स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है, इसकी फिनिशिंग काफ़ी अच्छी है। तो नेक्स्ट है मेरे पास ये फ़्लिप्स की हॉट प्लेट, इसको रेटिंग बहुत अमेजिंग थी। इसकी रेटिंग को देखते हुए ही मैंने फ़्लिप्स कंपनी का हॉट प्लेट खरीदना पसंद किया। और गाइस वैसे तो ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा, इसे ना मैं बहुत तरीके से यूज़ कर लेती हूँ। जैसे कभी आपको गैस आपकी बिजी है तब भी आप इसे एक्स्ट्रा में यूज़ कर सकते हो, या फिर आप सुबह की चाय बनाने में यूज़ कर सकते हो। इसमें जितने भी फ्लैट सरफेस वाले जो पॉट्स होते हैं वो आप यूज़ कर सकते हो। तो मेरे पास काफ़ी सारे फ्लैट सरफेस के पॉट ऑलरेडी हैं जिन्हें मैं इस पर इस्तेमाल कर लेती हूँ। सुबह सुबह एग ऑमलेट बनाना हुआ, मैं तो बहुत बार इसे कवाना में ले जाती हूँ, मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का आपका अरेंजमेंट है प्लग लगा सकते हो, तो आप इसे कहीं भी यूज़ कर सकते हो। और इसकी कॉस्ट मुझे पड़ी थी 3200 रुपीज़। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ ये है अगारो कंपनी का कॉफ़ी मेकर। इसमें एक्सप्रेसो कॉफ़ी आप जो चाहो जिस तरह की चाहो कॉफ़ी बना सकते हो। जिस टाइप की कॉफ़ी आपको पसंद है ना कैफ़े में जाके पीने की, बस वही कॉफ़ी आप घर पे बना सकते हो। आप ये स्टेनलेस स्टील की फिनिश में है। इसका पूरा रिव्यू ऑलरेडी मैंने अपने ब्लॉग में शेयर किया हुआ है, आप जाके चेक कर सकते हैं। बहुत अच्छी फिनिशिंग है, इसके साथ साथ कॉफ़ी भी काफ़ी टेस्टी बनती है। मेहमानों का दिल आप यूँ ही जीत सकते हो। और पता है मैंने तो इसे काफ़ी बार यूज़ कर लिया है इतने कम टाइम में, क्योंकि ये विंटर के टाइम में लिया है मैंने, तो काफ़ी काम भी आ रहा है। और इसकी कॉस्ट है 8400 रुपये। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है ना ये मेरी किचन में मैं बता नहीं सकती मैंने कितनी बार यूज़ किया है, बहुत ज़्यादा यूज़ में आने वाला प्रोडक्ट है। इवन आप सबके घर में बहुत ज़्यादा काम में आती होगी मिक्सी। तो ये मिक्सी ग्राइंडर है और इसमें मैं सुबह शाम बस काम ही करती रहती हूँ यार, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ों में काम में आ जाता है। ये हुआ मेरा सैंडविच मेकर हुआ, ये दोनों ही प्रोडक्ट मैंने एक साथ ही लिए थे आज से लगभग 5 साल पहले, और तब से लगातार यूज़ कर रही हूँ इसको। मैंने पूरा रच बस के यूज़ कर लिया है, इवन इतना यूज़ कर लिया है कि अब इसकी जो रबर्स है ना ये डैमेज होने लगी हैं, ख़राब होने लगी हैं, सील इसका अच्छे से नहीं कर पाती, इवन ये टूट भी चुका है साइड से। तो अब मैं नेक्स्ट जो लूँगी या तो फ्लिप्स का ही लूँगी क्योंकि मुझे इतना पसंद आया, या फिर इसकी टक्कर का कोई लूँगी। और ये अभी आपको मिलेगा 4600 रुपीज़ का, और ये ना सभी का फेवरेट है, मैंने बहुतों के घर पे देखा है। आप लोग भी बताओ कमेंट सेक्शन में अगर आप भी इसे यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो दिखा रही हूँ ये है एग बॉयलर, इसके बारे में भी आप लोग बहुत पूछते हो मेरे से ब्लॉग में। तो यार ये किसी ऐसे कंपनी का नहीं है जो कि मैं आपको बता सकूँ, मैंने मीशो से मंगाया था, रैंडम ऐसे ही पिक कर लिया था, और फॉर्चुनेटली ये बहुत अच्छा निकला है। 4 to 5 ईयर्स से इसे लगातार मैं यूज़ कर रही हूँ, और डेली मतलब विंटर में तो डेली काम में आता है। तो इसमें मैं मफिन के लिए एग और प्रशांत के लिए एग बॉयल करती हूँ, रोज़ सुबह बस प्लग लगाया और छोड़ दिया, फिर मुझे चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि पानी कितना गर्म है, कि आपका एग आधा बॉयल हुआ है या पूरा बॉयल हुआ है, ये पूरा अच्छे से बॉयल करता है। और अब तो बहुत अच्छी अच्छी कंपनी के आपको एग बॉयलर मिल जाएंगे, तो आप वो भी ट्राई कर सकते हो। जो मैंने लिया है ये मुझे 400 कुछ रुपीज़ का मिला था, 450 या 420 रुपीज़ का। तो ये प्रोडक्ट थोड़ा सा ना बड़ा है तो इसके पास मुझे खुद आना पड़ा। तो ये है हमारा एयर फ्रायर अगारो कंपनी का, देखने में बहुत ही क्यूट है गाइस, मतलब मुझे बहुत पसंद आया जब मैंने इसे देखा। जैसे फ्रंट लोडेड वॉशिंग मशीन नहीं होती है इस तरीके से ये ओपन होता है, तो ये फीचर मुझे बड़ा प्यारा लगा इसका। और इस टाइप के जो एयर फ्रायर है आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, इसमें बिना ऑयल की चीज़ें आप बना सकते हो। जब से मैंने इसे खरीदा है बाय गॉड मैंने बहुत सारी चीज़ें इसमें बिना ऑयल की ट्राई कर ली है। ऑलरेडी समोसे की रेसिपी आप सबके साथ शेयर करी हुई है, अगर चेक नहीं करिए तो जाके चेक करना। तो मार्केट में आपने और भी टाइप के एयर फ्रायर देखे होंगे छोटे, लेकिन उनमें ना ओटीजी वाला काम नहीं होता, जैसे कि इसमें ओटीजी वाला काम भी हो सकता है। आप इसमें केक भी बना सकते हो चाहो तो, और पनीर टिक्का बना सकते हो इसके अंदर, तो वो सारी चीज़ें भी कर सकते हो जो आप ओटीजी में करते हो। इवन इसमें पिज़्ज़ा भी बना सकते हो। और इसकी कॉस्ट मुझे पड़ी थी 11,600 रुपीज़। तो जब बात चल रही है किचन के मेरे मोस्ट यूज प्रोडक्ट के बारे में, तो मैं इसे कैसे भूल सकती हूँ, ये भी तो डेली काम आ जाता है। और सबसे ज़्यादा तो जब घर में गेस्ट आते हैं और मुझे कोई चीज़ गर्म करनी होती है तब बहुत काम आता है। तो ये माइक्रोवेव है IFB का, 30 लीटर का है ये, इसकी कैपेसिटी 30 लीटर है। इसमें बहुत सारे फीचर्स यहाँ दिए हुए हैं, और इसमें बहुत सारी चीज़ों में आप इसे यूज़ कर सकते हो। इवन इसमें राइस बना सकते हो, केक भी बना सकते हो, इवन आप इसमें पिज़्ज़ा भी बना सकते हो, कुकीज़ बना सकते हो, और डेली जो गर्म करने की चीज़ें हैं वो तो कर ही सकते हो। इवन आप इसमें ग्रिलिंग कर सकते हो, और आप इसमें पनीर टिक्का बना सकते हो, नॉन वेज की भी आइटम आप इसमें बना सकते हो, बारबेक्यू कर सकते हो इन टोटल। ओके, तो ये काफ़ी मेरे काम में जो आता है, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ तो मैं इसमें चीज़ें गर्म करने के लिए ज़्यादा यूज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा
ऐसा लगता है कि ओटीजी जो होता है ना वो उसकी जो हीटिंग प्रोसेस होती है वो डिफरेंट होती है माइक्रोवेव से. तो मैं ओटीजी का काम ओटीजी में करती हूँ और माइक्रोवेव का काम माइक्रोवेव में. और बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि हमें ओटीजी लेना चाहिए या माइक्रोवेव. तो मैं बोलूँगी कि ओटीजी ले लो, क्योंकि ओटीजी बहुत सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है. उसमें आप दाल बाटी बना सकते हो जो कि मेरी फेवरेट है. उसमें आप जो भी चीज़ पनीर टिक्का वगैरह जितने भी आपको ऐसी चीज़ें बनानी है, ग्रिल करनी है, केक बनाना है आपको, वो सारी की सारी चीज़ें ओटीजी में बन जाती हैं. तो आपका जैसे शौक है कुकिंग का और आपको नई नई रेसिपीज ट्राई करने का शौक है तो आप माइक्रोवेव छोड़ के ओटीजी ले सकते हो. तो इसकी कॉस्ट है 14,500 रुपीज. ये ब्लैक फिनिश में है तो बहुत ही प्यारा सा लगता है. पूरा ब्लैक फिनिश का लिया था मैंने, क्योंकि बाकी के अप्लायंसेस भी मेरे ना ज़्यादातर ब्लैक में है. आपके सामने प्रेजेंट है घी का रोबो कुक. देखने में कितना सुंदर है ना. ये भी सिल्वर और ब्लैक फिनिश में है. और ये जो रोबो कुक है ना, इसे आप किस तरीके से यूज कर सकते हो, पहले मैं इसका ये बता देती हूँ कैपेसिटी कितनी है. इसकी कैपेसिटी है 5 लीटर तक. और आप इसमें बिरयानी बना सकते हो, राइस बना सकते हो, वन पॉट कुकिंग कर सकते हो, इवन इसमें दाल बना सकते हो. बहुत सारी रेसिपीज हैं, जब आप इसकी बुक देखोगे तो उसमें बहुत सारी रेसिपीज दिखाई देंगी जिन्हें आप इनमें बना सकते हो. तो ये बहुत ही प्यारा सा एक किचन के लिए प्रोडक्ट है, जो कि जब आप किचन में साइड में रखोगे तो देखने में भी बड़ा ही प्यारा लगता है. और मैंने इसे काफी बार यूज किया हुआ है. जब घर में बहुत सारे गेस्ट हो तो आपके लिए कुकिंग आसान हो जाती है. बहुत सारे राइस इसमें बन जाते हैं या बिरयानी बन जाती है. ये देखिए, ये इस तरीके से ओपन हो जाएगा इसका ऊपर का कैप, और अंदर से कुछ इस तरीके से है. मैं ज़्यादातर बुक्स वगैरह इसी में रख देती हूँ, जिससे कि अगली बार जब मैं इसे यूज़ करूँ तो मुझे रेसिपीज़ वगैरह देखनी हो तो मैं देख सकूँ. अरे वाह, इसमें तो खीर भी बना सकते हैं, कढ़ी भी बन जाती है इसमें. मैं कढ़ी बनाऊँगी, मशरूम बना सकते हैं हम इसमें, बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं गाइस. ये 6,500 का है बाय द वे. तो नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये है स्लो जूसर टाइप. ये तो खैर हैंड जूसर है, जैसे कि मौसमी हुई, संतरे का जूस हुआ, आप इसे प्लग इन कर दीजिए एंड देन जूस निकल आता है. बस ऐसे करके आपको घुमाना पड़ता है, सारा का सारा जूस इकट्ठा हो जाता है यहाँ पर, जिसे आप निकाल सकते हो और सर्व कर सकते हो. तो ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है. और ये मैंने फ्लिप्स का लिया हुआ है, मैं इसे टाइम टू टाइम यूज़ करती रहती हूँ. और फिलहाल मैंने एक और नया खरीदा था जो कि स्लो जूसर है, वो है ये. ये है गोंचाक का, और ये मैंने लिया था अमेजोन से. इसकी रेटिंग काफ़ी बढ़िया थी. इसमें भी मैंने संतरे का, मौसमी का जूस निकाला हुआ है. जब समर आती है तो सिट्रस फ्रूट का जूस पीने में मज़ा आता है ना, तो ये उस टाइम मेरा बहुत हेल्प करता है. तो दोनों जूसर की कॉस्ट भी आपको बता देती हूँ. फ्लिप्स वाला है 1,000 रुपीज़ का, एंड ये जो है ये है 1,500 रुपीज का. नेक्स्ट जो मैं प्रोडक्ट दिखा रही हूँ ये है एक चिमनी, और इसे भी मैं 5 ईयर्स से यूज कर रही हूँ. सन फ्लेम की चिमनी है, काफी अच्छे से काम कर रही है. इवन मेरी ये किचन दोबारा से बनी है, फिर भी मैंने नई कहते हैं चिमनी नहीं लगवाई, क्योंकि यही चिमनी इतनी सुंदर और इतना अच्छे से काम करती है ना कि मुझे ज़रूरत ही नहीं लगी. बस हाँ, इतना ज़रूर है, कभी भी आपको चिमनी अगर अपनी चाहिए कि अच्छे से काम करे तो AMC ज़रूर लीजिएगा, और उसमें बहुत सारा फायदा हो जाता है. और आप सोचते ना कि यार मैं खुद कर लूँगी, उसमें आलस आ जाता है और 2-3 महीने हम कर नहीं पाते हैं, फिर वो गंदगी इकट्ठी होती चली जाती है. इसमें वो ध्यान रखते हैं, खुद आके सर्विसिंग करते हैं. और इस चिमनी में ना टच पैनल है, और इसमें ऑटो क्लीन फंक्शन भी है, और ये मुझे पड़ी थी 14,500 की. नेक्स्ट है ये प्लानिटरी मिक्सर, और ये प्लानिटरी मिक्सर मैंने कशिश के लिए लिया था. कशिश को केक बनाने का बहुत शौक है, और जब केक बनाने की बात आती है तो उसमें बहुत ज़्यादा बीट करना पड़ता है आपको, केक को नीट करना पड़ता है. तो वो करने में ना बहुत हाथ दुख जाते थे कशिश के, और कशिश को है कि वो बेकिंग में काफ़ी ज़्यादा मतलब इंटरेस्ट रखती है. तो ये बेकिंग के टाइम पर ना ये सारी चीज़ें बड़ी काम में आ जाती है. इवन आप इसमें डो भी लगा सकते हो, मैं इसमें पूरी वगैरह का डो लगा लेती हूँ. इसकी जो कैपेसिटी है ना जार की, वो काफ़ी ज़्यादा है. इसकी जार की जो कैपेसिटी है वो 6 लीटर की है, यानी कि आप इसमें बहुत सारा डो एक साथ लगा सकते हो. घर में अगर गेस्ट आ रहे हैं या कोई फंक्शन है तब भी आप इसमें आराम से डो लगा पाओगे. लेकिन मैंने जिस पर्पज़ से लिया है वो है कशिश के लिए, और कशिश को वाकई बहुत पसंद आया था जब वो इस बार आई थी, उसने इसमें ही केक का डो लगाया था.
और इसकी कॉस्ट है 9,999 रुपए। और एक मैंने ये हैंड वाला ब्लेंडर लिया है, इसमें डबल बीटन है, चाहो तो आप डबल यूज कर लो, चाहो तो सिंगल यूज कर सकते हो, एक निकाल दो। तो ये किस पर्पज से है यार, आप तो यूज करते ही रहते होगे, वैसे भी बहुत सारी कंपनी के हैंड ब्लेंडर आते हैं। और ये जो है मैंने वैसे मीशो से मंगाया था, इससे आप दही को फैट सकते हो, चाहो तो एग बीट कर सकते हो, रायता वगैरह बनाना होता है तो मैं इसी से ही दही फैट लेती हूँ, तो बहुत अच्छे से फिट जाता है। तो ये काफ़ी हैंडी टैंडी सा है और काफ़ी टाइम से काम कर रहा है, और ऐसी कोई नामी कंपनी भी नहीं है इसकी, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे से काम कर रहा है, और इसकी कॉस्ट है 500 रुपीज़। तो लास्ट जो मैं प्रोडक्ट आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना गाइस, टू बी वेरी फ्रेंक, ये बहुत काम में आता है मेरे, आप तो मेरे डेली व्लॉग्स देखते ही हो, अगर नहीं भी देखते हो तो देखना शुरू कर दो, मैं बहुत ज़्यादा इसे यूज़ करती हूँ। और इसमें अब आप कहेंगे कि जब आपके पास एयर फ्रायर है जो कि OTG जैसा काम कर देता है, तो आपने ये इतना बड़ा ओवन क्यों लिया है? बिल्कुल सही बात सोची आपने, ये इतना बड़ा ओवन जो लिया है ना, इसकी कैपेसिटी काफ़ी अच्छी है, ये 73 लीटर का है और इसमें बहुत सारी चीज़ें एक साथ आप बना सकते हो। इवन इतनी बड़ी ट्रे में आप एक बार में दो बड़े वाले पिज़्ज़ा बना सकते हो, जबकि एयर फ्रायर जो मैंने आपको दिखाया था उसमें एक छोटा ही पिज़्ज़ा बन पाता है, तो उसका अपना अलग पर्पस है। जैसे कि आपको ऑयली ज़्यादा डीप फ्राइड चीज़ें नहीं पसंद है तो मैं एयर फ्रायर में बना लेती हूँ, लेकिन ओवन का अपना डिफरेंट काम है। जैसे मुझे एक बार में बहुत सारी बाटी बनानी है, जैसे 30-40 बाटी इसमें एक बार में बन जाती हैं, जबकि छोटी छोटे ओवन में जब आप बाटी बनाने चलते हो तो आपको बहुत बार कहते हैं लगाना पड़ता है। जैसे कि पहले मेरे पास छोटा वाला ओवन था तो मैं उसमें बहुत बार करती थी, 2-3 बार मुझे लग जाता जब कोई घर पर आता था, तो इस वजह से ये मुझे ज़्यादा पसंद आता है। और इसके लिए मैंने ऑलरेडी जगह बनवाई थी अपनी मॉड्यूलर किचन में, और मॉड्यूलर किचन में ना हमेशा आप इस टाइप के जब सामान रखते हो तो मॉड्यूलर किचन का जो लुक होता है वो तो अच्छा होता ही है, साथ में ये आपको हेल्प भी करते हैं डे टू डे लाइफ में, आपकी लाइफ को आसान बनाते रहे। तो इसमें और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इसमें भी आप ग्रिल कर सकते हो, इसमें भी आप पनीर टिक्का बना सकते हो, चिकन टिक्का बना सकते हो, इसमें केक बन जाता है, इसमें आप बिस्किट्स बना सकते हो, बहुत बहुत सारी चीज़ें जो OTG में बन जाती हैं, इसलिए OTG मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट प्रोडक्ट है। और गाइस ये ब्लैक फिनिश में है, ब्लैक और सिल्वर फिनिश में, तो बाकी जितने भी प्रोडक्ट मैंने आपको दिखाए थे वो ज़्यादातर ब्लैक और सिल्वर फिनिश में ही मैंने लिए हुए हैं। और इसकी जो कॉस्ट है वो 40,000 रुपीज़ है, और इसका जो ब्रांड है वो है कैप। तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का वीडियो, कितना हेल्पफुल लगा ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। अगर आपको इस टाइप के हेल्पफुल वीडियो पसंद हैं और भी चाहते हो आप मेरे चैनल पर, तो आपको सब्सक्राइब तो कर लेना चाहिए ना, तो सब्सक्राइब कर लो, और अगर पसंद आया हो तो फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दो, और लाइक करे बिना बिल्कुल मत जाना, मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके लाइक से। और प्यारे प्यारे कमेंट ज़रूर छोड़ना कमेंट सेक्शन में, जिससे मुझे भी पता चले कि आप लोगों को कैसा लगा। चलिए मिलती हूँ एक और अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय गाइज़।